दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल वांग श्री गुरु नानक देव जी के दे प्रकाश पर्व को समर्पित गुरद्वारा बंगला साहब विखे सिख साहित्य चित्र प्रदर्शनी लगाई जाती है। 18 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का रस्मी उद्घाटन अज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका, जनरल सकत्र जगदीप सिंह कालों, धर्म प्रचार कमेटी के मुखी जसप्रीत सिंह करमसर वालों किया गया। हर साल गुरु नानक साहब महाराज के आगमन पुरब के उत्ते गुरद्वारा बंगला साहब जिहड़ी एक चित्र प्रदर्शनी लगती है और दूजा गुरु इतिहास के नाल जुड़े हुए जिहड़े इत्थे स्टॉल्स लाए जाते हैं जिहड़ियां गुरु दियां चिन्ह दियां गुरां दियां इतिहास दियां किताबां दियां भाषावां दियां इन्हां सारयां दी अज इत्थे अरदास करके ओपनिंग की है। और यह 9 दिन का प्रोग्राम है, 9 तरीक तो लैके अज तो 18 तरीक तक चलना है। और इतने संगत हर साल बड़े जोश के नाल पूरा साल इंतजार कर दिया ने कि यह प्रदर्शनी इतने लगे ताकि असी अपने गुरु इतिहास नाल जाणू हो सकी, गुरु साहब दियां बख्शियां जिहड़ियां निशानियां ने उन्हां दे दर्शन कर सकी, गुरु साहब के जिहड़े रिवायतां ने उन्हां दियां जिहड़े इतने स्टॉल्स लगते ने वह भावें ककारां दे रूप च होण, भावें चित्रां दे रूप दे विच होण, भावें किताबां दे रूप दे विच होण, उन्हां नूं इत्थों ले जा भी सकदे ने। सो मैं सारिया संगतों नूं बेनती करांगा कि यह 9 दिन दे जिहड़ी प्रदर्शनी गुरद्वारा बंगला साहब के सरोवर के कंडे ते लगती है, जिहदी हुणे अरदास करके आरंभता हुई है, इत्थे आ के अपने दर्शन भी करन और संगत जिते अपने घरां लई चीज़ लैके जांदी है, नाल इत्थे जिहड़े लोग स्टॉल लांदे ने सारा साल वेट करदे ने कि असीं गुरु दियां चिन्ह जिहड़े ने घर घर तक पहुँचा सके उन्हां दा भी हौसला वधदा है। सो सारिआं नूं बेनती है कि यह 9 दिन के प्रदर्शन के अपनी हाजरियां जरूर भरन। जिवें डिजिटलाइजेशन हो रही है, एडवांस टैक्नोलॉजी होंदी जा रही है और सारा कुछ मोबाइल फोनों के उत्ते टैक्नोलॉजी के उत्ते अवेलेबल है, तो बहुत सारे जो साढ़े यंग बच्चे है नौजवान है वो जो पुरातन साड़ी रवायत है, जो साढ़े इतिहास है, जो साड़ा लिटरेचर है, जो किताबों के विच दर्ज है, जो किताबा पुरातन बनिया हुई वो सारिया कित ना कि अलोप हो रही हैं। तो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल गुरु नानक साहब के गुरपुरब तो पहला 9 दिन के लिए प्रदर्शनी गुरद्वारा बंगला साहब विखे सरोवर दियां परिक्रमा च लगाई जाती है। इसका मकसद यह है कि जिथे जो भी धार्मिक पुस्तक, जो गुरबाणी के नाल संबंधित सेंचियां, जो भी इतिहास है उसकी प्रदर्शन अलग अलग स्टॉल लगाए जाते हैं ताकि लोग आके जिथे वो किताबा खरीद सकन, उन्होंने समझ आ सके इतिहास के बारे च। और इस तों अलावा जिहड़े साढ़े सिक्खी के संबंधित जिन्हें भी चिन्ह है, जिन्हिया भी वस्तां हैं, वो सारिया का भी प्रदर्शन किया जाता है ताकि लोगों ईजली एक प्लेटफॉर्म के थले सारा कुछ मिल सके। ये 9 दिन की प्रदर्शनी है और इस 9 दिन की प्रदर्शनी के लखां की तादाद के संगत जी ना केवल दिल्ली तो बल्कि आल ओवर इंडिया तो आँदी है और आके इस प्रदर्शनी का आनंद माण रही है, इस प्रदर्शनी तो लाहा लेंदी है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशेष तौर के उत्ते गुरमुखी नूं पंजाबी भाषा नूं इस प्रदर्शनी के भी प्रमोट किया गया है। ये दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का उपराला है ताकि असी अपने इतिहास नूं होर अगे वधा सकीए, जो साड़ियां पुरातन रवायतां हन उन्हां नूं होर अगे वधा सकीए, यह उपराला किया गया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े ते जो हर साल प्रदर्शनी लगाई जाती है, इस बारी भी अज तो उहदी अरदास करके आरंभता की गई है। मैं दिल्ली दियां सारियां संगतां नूं बेनती करदा
जो बच्चे होंगे ने जिहड़े पढ़ नहीं सकते ना वो चित्रां तो देख के उस चीज़ नूं मैमोराइज़ कर लैंदे ने, याद कर लैंदे ने। तो वडमुला उपराला किया गया दिल्ली कमेटी वालों, धर्म प्रचार कमेटी वालों, कि जो साढ़े इतिहास के चित्र ने, चित्र प्रदर्शनी उचेचे तौर पर लगाई गई है, जिहड़े बच्चे पढ़ सकते हैं उन्होंने धार्मिक पुस्तकों का उचेचे तौर पर इंतजाम किया गया, ताकि बच्चे अपने इतिहास तो जाणू हो। मैं सारिया संगतों को बेनती करता जिथे वो ट्रेड फेयर के जाके चीज़ों वेखते हैं इतने आके इस प्रदर्शनी के जरूर अपने बच्चों लैके आओ, ताकि अपने इतिहास तो जाणू हो। जिहड़े बच्चे अपने इतिहास तो जाणू होणगे तां अपने सिख कौम की वड्डे होकर सेवा कर सकणगे। ये प्रदर्शनी लगाउण दा मकसद मेन मनोरथ यह हुंदा है कि अपने इतिहास नूं अपने बच्चों के देना, बच्चों नूं देना। जे बच्चों नूं तुसीं सारे बच्चे अपने माता पिता होने का फर्ज निभाउणा चाहुंदे हो तो सारे बच्चों नूं इस प्रदर्शनी के लैके आओ। अज तो लैके 18 तरीक तक ये प्रदर्शनी लगाई गई है। सारे बच्चों इन प्रदर्शनियों के किताबा भी दवाओ, अपने धार्मिक चिन्हों तो जाणू कराओ, चित्रां नूं विखा के अपने इतिहास तो जाणू कराओ। इतिहास वेखणगे जल्दी इतिहास नूं समझ लैणगे, तो इतिहास की पालन करन वास्ते तैयार होणगे।